हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जैरब। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल का सेट का पेपर है जो कि अभी दिसंबर 2023 में हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ये सेकेंड क्लास है जिसमें हम लोग 31 से स्टार्ट करेंगे। बट अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। होम साइंस से रिलेटेड आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हेल्प मिलेगी। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। हाउ विल यू मिनिमाइज टाइप टू एरर्स इन केस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, उस केस में अगर टाइप टू एरर आ रही है तो आप टाइप टू एरर को कम कैसे करेंगे, मिनिमाइज कैसे करेंगे, कम कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे आप? इंक्रीजिंग सैंपल साइज। जब आप सैंपल साइज को बढ़ा देंगे, जैसे आपने पहले 10 लोगों का सैंपल लिया, अब इसको अगर आप 20 लोग कर दें, 25 कर दें, अगर आप सैंपल साइज बढ़ा दे रहे हैं तो जो टाइप टू एरर होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको बताना है टाइप टू एरर क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32। लिसा पोल इज अ, लिसा पोल क्या है? तो ये एक वेटिंग एजेंट है जिसको मतलब कपड़े को गीला करने में हेल्प करता है, उसको प्रॉपर वाटर अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एक वेटिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या, एगमार्क इज रिलेटेड टू। एगमार्क जो ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है, ये मोस्टली हम बोल सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए दिया जाता है, या जो एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट हैं उनके लिए दिया जाता है। तो ये जो एगमार्क का सर्टिफिकेशन है कौन से बेसिस पे दिया जाता है? तो वो क्वालिटी के बेसिस पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। विच टाइप ऑफ डाइट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ सीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन है तो उसके लिए कौन सी डाइट दी जाएगी? तो उसके लिए दी जाती है कीटोजेनिक डाइट। डैश डाइट क्या है? हाइपरटेंशन के लिए, हाइपरटेंशन के लिए। मेडिटेरियन डाइस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए। कीटोजेनिक डाइट सीएनएस के लिए। वेजिटेरियन डाइट सिंपल वेजिटेबल डाइट दी जाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? विच मिलेट क्रॉप इज मोस्टली ग्रोन इन रबी सीजन। रबी सीजन में कौन सी मिलेट की क्रॉप ग्रो की जाती है? तो वो है कोडो मिलेट। जो कोडो मिलेट की जो फसल है वो रबी सीजन में ग्रो की जाती है। क्वेश्चन नंबर 36। HFCS 55 मीन्स, HFCS 55 का मतलब क्या है? 55% फ्रक्टोज एंड 45% ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स आर एक्सेलेंट सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो इनमें मोस्टली क्या होगा? इनमें होगा फाइबर। होल ग्रेन है तो इसमें क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स और होल ग्रेन की डाइट ले रहे हैं तो ये किस चीज के सोर्स हैं? तो इनमें कार्बोहाइड्रेट और फाइबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद अ लो कंसेंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड कैल्शियम इन द सीरम। जो हमारा सीरम है, ब्लड सीरम है, या हम बोल सकते हैं जो सीरम में हमारा जो कैल्शियम का आयन है, अगर कैल्शियम की हम बोल सकते हैं जो कैल्शियम है उसका अगर लेवल कम हो रहा है, या कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जितनी हमें है उतना नहीं मिल रहा है, उससे रिक्वायरमेंट से कम कैल्शियम मिल रहा है, तो क्या होगा? तो होगा टिटैनी। कैल्शियम की डिफिशियंसी से टिटैनी होता है। हाइपोथायरायडिज्म, हाइपो मीन्स कम, आयोडीन की कमी से हाइपोथायरायडिज्म। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ये भी हमारा कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। और कैल्शियम जो आयोनाइज्ड कैल्शियम अगर कम है तो क्या होगा? टिटैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39। इन इंडिया मोस्ट केसेस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है ये किसकी कमी से होता है?
तो ये होता है फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। ये क्वेश्चन जो है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया किसकी कमी से होता है, किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ये क्वेश्चन नॉर्मली बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इसको कई तरीके से फ्रेम करके पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा गया, इन इंडिया मोस्ट केसेस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, कहीं कहीं पूछा जाता है कि मोस्ट जो एडोलसेंट गर्ल है उनमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, क्यों होता है, प्रेग्नेंट लेडीज में होता है। तो ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, पर इसको क्वेश्चन को फ्रेम करने का जो तरीका है वो चेंज कर देते हैं। तो जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है वो होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 40। इन सोप फॉर्मेशन सेपोनिफिकेशन इज डन बाय, साबुन बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। तो सेपोनिफिकेशन किससे होता है, अल्कली से किया जाता है। नॉर्मली हमारी साबुन कैसी होती है, बेसिक होती है, या हम बोल सकते हैं बेस या अल्कली होती है, एसिडिक तो नहीं होती है। तो ये सेपोनिफिकेशन जो होता है वो अल्कली से किया जाता है या बेस से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, विच थ्योरी इज मोस्ट एसोसिएटेड विद डोमेस्टिक वायलेंस, इनमें से कौन सी थ्योरी डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, लेनोर वॉकर साइकिल ऑफ वायलेंस। जो लेनोर वॉकर साइकिल ऑफ वायलेंस थ्योरी है ये हमारी डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, इनमें से कौन सा है जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की प्रॉपर्टी होती है। तो इनमें से ओमेगा 3 फैटी एसिड में क्या प्रॉपर्टी होती है, ये एंटी डायबिटिक होते हैं। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये एंटी डायबिटिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, अमंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल प्रोटीन इन राइस इज, राइस मीन्स चावल में मेन प्रोटीन क्या होती है, राइस में मेन प्रोटीन क्या होती है, वो होती है ऑराइजेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44, इन डाइटरी काउंसलिंग प्रोसेस द काउंसलर प्रोवाइड्स टू द पेशेंट, जब डाइटरी काउंसलिंग होती है, डाइट की जब काउंसलिंग हो रही है, तो जो काउंसलर है वो पेशेंट को क्या बताता है, वो एडवाइस करता है या सजेस्ट करता है हेल्थ फ्रेंडली एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस एडॉप्शन फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड रिकवरी। जो भी हमारा काउंसलर है, अगर हम डॉक्टर के पास भी दवा लेने जा रहे हैं, तो डॉक्टर हमको क्या बताता है, वो हमको बोलता है कि आप ऐसी डाइट्स लो जो आपके हेल्थ के लिए ठीक हो, या आपकी ऐसी हैबिट होनी चाहिए जो आपकी हेल्थ फ्रेंडली हो, जिससे आपकी जो डिजीज है वो रिकवर करे या वो क्योर हो। तो यही एडवाइस या सजेशन देता है, फॉर हेल्थ फ्रेंडली एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस एडॉप्शन फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 45, क्या है, कोड अप्लाइड बाय ECBC द प्लॉट ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग बिल्ड एरिया। ECBC मीन्स एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग काउंसलिंग बिल्डिंग काउंसिल, इसका क्या मतलब है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग काउंसिल, अगर कोई रेजिडेंशियल प्लॉट के बारे में बता रही है तो उसका एरिया कितना होना चाहिए, मोर देन 500 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन करिकुलम डेवलपमेंट फॉर एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए अगर हम कोई करिकुलम डेवलप करते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्सटेंशन के लिए हम कोई भी प्रोग्राम, कोई भी करिकुलम, कुछ भी अगर डेवलप कर रहे हैं तो वहां पे हम सबसे देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जिसके लिए भी हम डेवलप कर रहे हैं उसकी नीड क्या है। तो सबसे पहले आता है कंडक्टिंग अ नीड असेसमेंट। नेक्स्ट है विच ग्रेन डज नॉट कंटेन ग्लूटिन, कौन से ग्रेन में ग्लूटिन नहीं होता है। तो जो ओट्स हैं, ओट्स में ग्लूटिन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44, फॉर इन्फेंट्स ब्रेन डेवलपमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपिड्स आर, कोई इन्फेंट जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए कौन से लिपिड्स चाहिए। तो आंसर हमारा होगा एराकिडोनिक एसिड एंड डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड, एराकिडोनिक एसिड एंड डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड, हमारा ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 49, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अर्ली एंड फोर्स्ड मैरिज ड्यूरिंग एडोलसेंट गर्ल। अगर कोई एडोलसेंट गर्ल है उसकी मैरिज जो है जबरदस्ती या एज से पहले कर दी जा रही है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या उसके क्या हानिकारक प्रभाव होंगे? तो इससे क्या होगा? इंक्रीज रिस्क ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड हेल्थ इश्यूज। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगर कोई लड़की है उसकी शादी जबरदस्ती कर दी जा रही है या एज से पहले की कर दी जा रही है, अब एज से पहले कर दी जा रही तो हेल्थ इश्यू होंगे, और जबरदस्ती कर दी जा रही है तो फिर डोमेस्टिक वायलेंसेस के रिस्क जो है वो इंक्रीज करेगा। तो डोमेस्टिक वायलेंस एंड हेल्थ इश्यू के रिस्क बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज द पीरियड ऑफ रैपिड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इन ह्यूमन लाइफ साइकिल? ह्यूमन का जो लाइफ साइकिल है उसमें ऐसी कौन सी स्टेज है जहां पे रैपिड जल्दी से फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है, मींस फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है? वो है हमारा चाइल्डहुड। चाइल्डहुड एज में जो मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट है ये काफी फास्ट होता है या तेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। कलर्स विच आर एग्जैक्ट अपोजिट टू ईच अदर ऑन अ कलर व्हील आर नोन एज। कलर व्हील है जिसमें एक दूसरे से एग्जैक्ट अपोजिट में जो कलर है, जैसे यहाँ पे एक कलर है इसके अपोजिट में ये कलर है, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो हम उसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर। और अगर आपको कलर स्कीम के बारे में पढ़ना है तो YouTube चैनल पे आप कलर स्कीम के नाम से सर्च करो, आपको पूरा एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको कलर स्कीम बहुत ही इजी वे में बताया गया है, बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया है। तो ये कलर स्कीम की जो वीडियो है आपको YouTube चैनल पे मिल जाएगी, या फिर इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट कैन बी अ पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन? अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है जब उसको न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, वहां पे उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? तो इससे क्या होगा? लो बर्थ वेट ऑफ इन्फेंट्स। अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है जब जो उसको जितनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो क्या होगा? जो भी इन्फेंट होगा या जो बेबी होगा वो लो बर्थ वेट पैदा होगा या लो बर्थ वेट बेबी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच केमिकल प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन कलर इन टोस्टेड ब्रेड? जो टोस्टेड ब्रेड है इसमें ये जब ब्राउन कलर की हो जाती है, जब इसको हम ब्रेड को टोस्ट करते हैं ब्राउन कलर की हो जाती है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो उसके लिए हो जाएगा कैरामेलाइजेशन। ये एन है यहाँ पे, कैरामेलाइजेशन। क्योंकि जब स्टार्च बर्न हो रहा है, स्टार्च बोल सकते हैं या ब्रेड में क्या हम ग्लूकोज बोल सकते हैं, जब ये बर्न हो रहा है हाई हीट पे, हाई टेम्परेचर पे जब ये इसको हम पका रहे हैं, तो इसमें कैरामलाइजेशन में चेंज होता है जिसकी वजह से ये ब्राउन कलर आता है। और इंजाइमेटिक ब्राउनिंग क्या है? जहां पे इंजाइम्स रिएक्शन करके ब्राउन कलर दे रहे हैं, जैसे पोटैटो को पील किया उसको रख दिया तो पोटैटो के ऊपर ब्राउन कलर आ गया, एप्पल में ब्राउन कलर आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा इंजाइमेटिक ब्राउनिंग। बट जब हम ब्रेड को टोस्ट कर रहे हैं वहां पे जो ब्राउन कलर आ रहा है वो हो जाएगा कैरामेलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन, कंटेम्पलेशन एंड मेडिटेशन आर द चीफ फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे हमको बताना है जो इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन है, मेडिटेशन है, कंटेम्पलेशन है, ये किस टाइप के कम्युनिकेशन में आते हैं? इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन मतलब सिर्फ हम अपने बारे में, खुद के बारे में पढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिटेशन हम खुद में कर रहे हैं, कॉन्टेम्पलेशन हम खुद के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या हम खुद से ही बातें कर रहे हैं। दैट मीन्स इंट्रापर्सनल, जब हम खुद से बात करते हैं या हम खुद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तब ये होता है इंट्रापर्सनल। जब हम फेस टू फेस किसी और से बात कर रहे हैं तब ये होता है इंटरपर्सनल। डायरेक्ट कम्युनिकेशन जहाँ पे 3 to 4 people या हम बोल सकते हैं 2 to 3, 4, 5 people से बात कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे कम्युनिकेशन। इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन, तो ये हो गया हमारा, इसका आंसर क्या होगा? इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 55। द अर्लीस्ट साइन ऑफ नियोनेट एटीट्यूड टू द आउटर वर्ल्ड इज टर्म्ड एज। जो नियोनेट है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, उसका
अगर वो जब उसका बर्थ होता है, बर्थ के बाद वो बाहर के एनवायरनमेंट से उसका कैसा रिएक्शन होता है, वो उसको कैसे अडाप्ट करता है बाय फ्रूट के अकॉर्डिंग। फ्रूट ने क्या क्या है कहा है, जो नियोनेट है जब वो बाहर के वर्ड से या बाहर के जो आसपास उसका जो एनवायरनमेंट है जब उससे मिलता है, वहां पे उसकी फीलिंग्स कैसी होती है, उसकी फीलिंग होती है ओशियनिक फीलिंग, ओशियन के जैसे उसकी फीलिंग्स होती हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 56। अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस इन प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक फॉर क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन। क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, कपड़ा बनाने के लिए जो यहाँ पे हमें स्टेप्स दिए गए हैं, इनको हमें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। अब इनको जब हम अरेंज करते हैं तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए कि हम यहाँ पे ऑप्शंस पहले देखें, क्योंकि यहाँ पे कई बार हमें ये ऑप्शंस दिए रखे हैं, इनका सीक्वेंस नहीं बनता है, लेकिन जब हम कोड्स में चेक करते हैं, कोड्स से चेक करते हैं, तो हमारा जो सीक्वेंस है वो जल्दी बन जाता है। तो ऑप्शंस क्या है, ब्लॉकिंग, श्रिंकिंग, प्रेसिंग एंड स्ट्रेटिंग। कोई भी आप कपड़ा बना रहे हैं, सिंपल सी बात है, आपने कपड़ा धोया, उसके बाद आप सुखाने के बाद लास्ट स्टेप क्या है, प्रेस करना। तो हमारा प्रेस करना जो है ये लास्ट स्टेप हो जाएगा, प्रेस नंबर 3 पे है। 3 में ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों तो कट हो गए पहले ही। तो प्रेसिंग, अब हम देखते हैं स्टार्ट कैसे है, श्रिंकिंग या स्ट्रेटनिंग। श्रिंकिंग तो जब हम कपड़े को धोते हैं उसके बाद में होता है, तो क्या स्ट्रेटनिंग, जब भी कपड़े पे कपड़े को हमें कुछ बनाना है तो सबसे पहले हम कपड़े को स्ट्रेट करते हैं। स्ट्रेटनिंग होगा, ब्लॉकिंग होगा, श्रिंकिंग होगा और फिर प्रेसिंग होगा। तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रेदर देन अ मास कम्युनिकेशन। यहाँ पे कौन सा कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है जो हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन नहीं है। वॉचिंग अ मूवी इन थिएटर, रीडिंग अ न्यूज आर्टिकल ऑनलाइन, लिसनिंग टू अ रेडियो, टेक्सटिंग अ फ्रेंड। इंटरपर्सनल, जहाँ पे हम दो लोग बात कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल, तो ये हो जाएगा टेक्सटिंग अ फ्रेंड। वेन डिड जननी सुरक्षा योजना लॉन्च, जननी सुरक्षा योजना कब लॉन्च हुई, तो ये लॉन्च हुई 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ विंडो हैज ग्रेटर सीलिंग हाइट देन सराउंडिंग रूम। रूम में ऐसे कौन सी विंडो होती हैं जिनकी सीलिंग हाइट रूम ज्यादा होती है, तो वो होती है सेलर स्टोरी विंडो। सेलर स्टोरी विंडो जो ये होती हैं, इनकी जो हाइट होती है वो सीलिंग से ज्यादा होती है, ग्रेटर सीलिंग हाइट वाली विंडोज होती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज, हेरिडिटी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो वो हो जाएगा जीन। तो जो क्वेश्चन था आपके लिए वो था टाइप 2 एरर, हम किसको कहते हैं या टाइप 2 एरर क्या होती है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आज की क्लास में हम लोग 60 तक सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 61 से सॉल्व करेंगे। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।